हे गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज दीप मेहता, नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर एंड कोच। दोस्तों मैं आज आपसे एक डिस्कशन करना चाहूँगा अपलाइन के बारे में। बेसिकली अपलाइन एक लाइफ लाइन होता है और अपलाइन से बेहतर आपके पास जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में कोई विकल्प ही नहीं होता। बिकॉज एक अच्छा अपलाइन ही वो होता है जो उंगली पकड़ के आपको नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में सक्सेसफुल कराने के लिए चलना सिखाता है। बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, उनके सामने सब कुछ ब्लैंक होता है। नेटवर्क मार्केटिंग आने के बाद सब कुछ ब्लैंक है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक ऐसा आदमी जो उस अंधेरे से भी हाथ आगे बढ़ा के आपको पकड़ के अगर मंजिल की ओर लेके जाएगा तो उसके आपसे अपलाइन बोलते हैं। जो आपसे पहले आया, जो एक्टिव है, जो प्रॉपर बेसिस पे काम करता है, जिसने बिजनेस के अप एंड डाउन को फेस किया है, इसके बाद एक सक्सेसफुल जगह पे है जहां से आज उसे आप सम्मान देते हो अपलाइन बोल के। तो दोस्तों एक अच्छा अपलाइन होना बहुत जरूरी है। अपलाइन वो नहीं जो सिर्फ पहले ज्वाइन कर ले, अपलाइन वो है जो आने के बाद, बिजनेस में आने के बाद अपनी टीम को सपोर्ट करे और टीम के साथ हर सिचुएशन में खड़ा हो, टीम को मदद दे और साथ ही साथ उसके पास नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव हो जो आपसे वो शेयर करे। अच्छा अपलाइन अगर आपके पास है तो बहुत किस्मत वाले हो। अंधेरे में भी अगर कोई रोशनी बन के हमारे जीवन में कोई आता है तो वो अपलाइन होता है, उसे हर सिचुएशन के बारे में पता होता है। इसलिए कभी भी अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो कभी भी बिना अपलाइन से पूछो कोई काम मत करो। सक्सेसफुल होने के लिए अगर मुझसे पर्सनली कोई अगर ये पूछे कि सबसे आसान फॉर्मूला नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, तो मैं दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे आसान फॉर्मूला है अपलाइन से पूछो कैसे, खुद करो वैसे और कमाओ पैसे। अपलाइन से पूछो कैसे, खुद करो वैसे और कमाओ पैसे। अगर पैसे कमाने हैं तो अपलाइन से, जैसे जैसे अपलाइन से पूछते जाओ वैसे वैसे करते जाओ। कभी अपना दिमाग मत चलाना दोस्तों। कुछ लोग बिजनेस में जब आते हैं तो हो सकता है कि पहले से वो टैलेंटेड हो, पढ़े लिखे हो, उन्हें अपने फील्ड का बहुत अच्छा तजुर्बा हो, लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आते हैं तो आपका जो अपलाइन होता है वो आपसे ज्यादा तजुर्बेकार है, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करके बैठा है, वो आपसे ज्यादा बिजनेस के बारे में जानता है, तो उसको फॉलो करें तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि इस फील्ड के बारे में उसने काफी कुछ देखा है, इस फील्ड के बारे में वो काफी कुछ जानता है, उसने हर मुश्किल दौर को पार करके अभी अच्छी जगह पे वो पहुंचा है। इसलिए अपलाइन को कॉपी करना बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग को ऐसा लगता है कि वो अपने तरीके से भी काम करके सक्सेसफुल हो जाएंगे, और चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में अपलाइन बड़ी इजिली लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए लोग उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते या उनकी कद्र नहीं करते। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जिनके पास अपलाइन नहीं है उनसे पूछो अपलाइन का महत्व क्या होता है। अगर आपको कोई बार बार फोन कर रहा है, आपका सीनियर, अगर आपका सीनियर आपसे मिलना चाहता है, अगर आपका सीनियर आपको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो आप किस्मत वाले हो। कभी कभी बार बार सीनियर अगर फोन करे तो लोगों को लगता है मेरा सीनियर परेशान कर रहा है। कभी कभी सीनियर उनको ज्यादा फील्ड में जाने के लिए बोलता है, इधर साथ में लेके कहीं जाना चाहता है, ज्यादा ज्यादा मेहनत करना चाहता है, तो उसको लगता है मेरा सीनियर परेशान कर रहा है, वो आपको पॉलिश कर रहा है, वो आपको बेहतर बनाना चाहता है। आपका सीनियर ये चाहता है कि आप उससे भी अच्छे जगह पे चले जाए, इसीलिए आपके पीछे ज्यादा टाइम दे रहा है, आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसकी कदर करना सीखो। आज वो शख्स आपके लिए सोच रहा है, ये आप किस्मत वाले हैं कि आपके लिए सोच रहा है, वरना इस दुनिया में आज किसी के पास किसी के लिए कोई वक्त नहीं है। आज लोग किसी के लिए 10 मिनट भी फालतू का निकालना नहीं चाहते, लेकिन आपका अपलाइन अपना पूरा समय देके आपको तलाशने की कोशिश कर रहा है ताकि आप परफेक्ट बन सके, और जिस डायमंड से, जिस विजन को दिखा के आपको इस बिजनेस में लाया गया है, उस विजन को पूरे करने में आपकी मदद वो कर सके। दोस्तों अपलाइन का महत्व आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं महाभारत की घटना बताता हूँ। कर्ण और अर्जुन का युद्ध पूरी दुनिया में फेमस है, सभी जानते हैं इसके बारे में कि वो बहुत ही बड़ा युद्ध था। उस युद्ध में दोनों के बीच में इसी बात को लेकर कंपटीशन था कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है, सबसे अच्छा धनुष कौन चला सकता है, कि दोनों की श्रेष्ठता अपने अपने जगह पे बहुत अच्छी थी, लेकिन लोग कर्ण को भी अच्छा मानते हैं, लोग अर्जुन को भी अच्छा मानते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को बोला, चूंकि श्री कृष्ण भगवान साथी थे अर्जुन के रथ के, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को बोला, आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि श्रेष्ठ कौन है। सामने था कर्ण, इधर थे अर्जुन जी। अब कर्ण का जब एक तीर आया अर्जुन के रथ में आके लगा, तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे चला गया। तब अर्जुन जी ने तीर चलाया और कर्ण जी के रथ में जाके लगा, तो कर्ण जी का रथ 10 कदम पीछे चला गया। तब अर्जुन जी श्री कृष्ण जी को देख के बोलते हैं, हे भगवान, मैंने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा धनुधर कौन है। मेरे तीर लगने से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला गया, बट उसके तीर लगने से मेरा रथ सिर्फ 3 कदम पीछे चला गया। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को बोलते हैं, हे वत्स, जरा अपने रथ के ऊपर तो देखो कौन बैठा है, हनुमान जी, जिसकी पूछ कोई हिला ना पाए। मैं खुद तीनों लोक का स्वामी तुम्हारे साथ तुम्हारे रथ में बैठा हूं।
ये वजन है ना, इसी वजन से सिर्फ 3 कदम पीछे गए। अगर हम हट जाएं तो आप सीधे आसमान में चले जाते। तो अर्जुन जी को थोड़ी बात अटपटी लगी, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि कर्ण उनसे अच्छा धनुर्धर है। तब श्री कृष्ण जी ने इनकी मनसा पढ़ ली अर्जुन जी की, और अर्जुन जी को सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण जी रथ से उतर गए। और हनुमान जी को भी उन्होंने बोला, हे भगवान थोड़ी देर के लिए आसमान की सैर करके आ जाओ। तब इसी दौरान जैसे श्री कृष्ण जी रथ से उतरे और हनुमान जी आसमान के सैर को गए, तभी एक तीर आया और अर्जुन के रथ को लगा, और अर्जुन के रथ में जैसे तीर लगा अर्जुन के रथ आसमान पे पहुंच गया। जब वो आसमान से नीचे गिरे तब उन्हें बड़ी ग्लानी महसूस हुई। तब वापस श्री कृष्ण जी रथ पर आए, हनुमान जी रथ पर आए, तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कहा, आपके रथ में जो वजन है ना, वो हम दोनों की वजह से। श्री कृष्ण जी अपलाइन थे अर्जुन जी के रथ में जो वजन था वो अपलाइन की वजह से ही था। जैसे अपलाइन का साया आपके ऊपर से उठेगा, आप इतने हल्के हो जाओगे कि थोड़ी छोटी मोटी जो आंधी तूफान आती है ना, उससे भी उड़ के चले जाओगे इधर उधर। आज मार्केट में जितने नेगेटिव लोग आपके आसपास है ना, अपलाइन है जो बचा के रखता है, आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट डालता है, अपलाइन आपके साथ हमेशा खड़ा होता है। हर नेगेटिव सिचुएशन में भी आपका अपलाइन आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। रात को 10 बजे, रात को 1 बजे, दिन में, सुबह में, कभी भी आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो अपलाइन आपके लिए हमेशा अवेलेबल होता है। ये जो वजन है ना, ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग में रखा हुआ है, वरना दोस्तों अगर ये नहीं होता तो आप कब के खत्म हो चुके होते। इसीलिए अच्छा अपलाइन बहुत जरूरी है। सही मायने में अगर कहा जाए, जितनी प्रार्थना भगवान के सामने करते हो, जितनी पूजा भगवान की करते हो, कहीं भगवान से ये भी जरूर कहो डेली कि भगवान आपने एक दूत भेजा है मेरे पास है मेरे जीवन को बदलने के लिए। भगवान से डेली प्रार्थना करो, भगवान आपने एक दूत भेजा है मेरे जीवन को बदलने के लिए, शुक्रिया भगवान। तो जितनी प्रार्थना भगवान के लिए कर रहे हो ना, उतनी प्रार्थना अपलाइन के लिए भी करो कि भगवान के रूप में अपलाइन आपके साथ आपके प्रोसेस में आए। दोस्तों अपलाइन बेस्ट लाइफलाइन है। जिस दिन लाइफलाइन खत्म हुआ ना, उस दिन गेम खत्म। इतनी इज्जत फैमिली को देते हो, जितनी इज्जत माँ बाप को देते हो, उतनी इज्जत अपलाइन को दो। उन्हें कभी मत छोड़ो, उनकी उंगली पकड़े रखो और उन्हें कहो कि मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाइए। बस आप जैसा बोलेंगे वैसे ही हम करते जाएंगे। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपके जीवन में अपलाइन का क्या महत्व है। धन्यवाद।